हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफी एंटरप्राइजेस। आज हमारे पास एक फ्रायर आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जिसमें जो कि फ्लेम प्रॉपरली नहीं दे रहा है। इसका जो मॉडल नंबर है OT71A है, गैस LPG लो प्रेशर में रहेगा। ये 14 kg इसका टोटल वजन है। तो इसकी जो हीटिंग रहती है इन तीन रॉडों में रहती है, जिनको कि तीन पायलट बर्नर लगे होते हैं। इसका फ्रंट साइड है, ये इसका टेम्परेचर कंट्रोलर, ये इसका टैब जहाँ से हम इसका जो भी ये ऑयल वगैरह होगा यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये इसका इग्निशन, ऑटो इग्निशन के साथ। तो इस फ्रायर को हम खोलना स्टार्ट करेंगे। इसका जो आगे ये तीन कंपोनेंट्स लगे हैं, पहले हम ये खोलेंगे। ये हमने सबसे पहले इसका टैप ओपन किया है। ये हमारा एक साइड इसका ओपन हो गया। देखिए आप ओवन में, इसमें फ्रायर में कितना कार्बन आया हुआ है। तो इसको हम बिल्कुल आराम से अपनी ओर खींचेंगे। ये भी बाहर आ गया। अभी हम इसके ये चार स्क्रू खोलेंगे। दो स्क्रू इसके नीचे भी रहेंगे, जो कि हमने पहले ही खोल दिए थे। उसके लिए लाइटर खोलेंगे। इसका फ्रंट पैनल हमने खोल दिया है। आप इसकी हालत दे सकते हैं अंदर से। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें जो गैस सप्लाई आ रही है पीछे से, वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं। पीछे से तो प्रॉपर आएगी, लेकिन अभी देखना है कि आगे कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है। गैस कम तो नहीं आ रही है, वो हमें पहले चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसके जो तीन पायलट हैं, ये वाली पूरी रॉड ही निकाल देते हैं, ताकि पहले हम ये तीन पायलट चेक करें। तो इसके लिए हमें पहले तीन पायलट को जो गैस सप्लाई जाती है, वो डिस्कनेक्ट करेंगे हम यहाँ से। एक चीज़ लेकिन याद रखें, जब भी कभी ये खोले बिल्कुल आराम से खोले, क्योंकि इसकी जो भी पाइपें हैं प्लस वॉल्स, ये सारी नाजुक चीज़ें हैं। अब इस को खोलने के लिए हम यहाँ पे इसके चार स्क्रू खोलेंगे। तो ये हमारे जो बर्नर हैं बाहर आ गए हैं।
तो अभी हम इसकी पहले सफाई करेंगे अच्छे से, और हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी सप्लाई अच्छे से आ रही है। का जो थर्मोस्टेट है हमने सेपरेट कर दिया है, उसके बाद हम इसका वॉल खोलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं कार बनाने के वॉल में ही रहते हैं। तो उसके जो सारे कनेक्शंस हैं गैस के हमने ओपन कर दिए हैं। इसके बाद हम पहले चेक करेंगे जो मेन जो सप्लाई है जहाँ से गैस आ रही है वहाँ से हमें गैस आ रही है कि नहीं। बिल्कुल, तो हमारी वहाँ से जो सप्लाई है वो आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सप्लाई जो है प्रॉपरली आ रही है, जो हमारी मेन पाइप है जहाँ से गैस को आना है। तो जो भी ब्लॉकेज है इसका मतलब है कि इसके आगे है। इस वॉल की हमने सफाई कर दी है, अभी हम धीरे धीरे इसको फिर से वापस फिक्स करेंगे। थर्मोस्टेट भी इसमें फिक्स कर देते हैं। ये लाइटर का कनेक्शन, अभी हम इसका जो ये ट्रिपल पायलट वाला बर्नर है ये भी फिक्स करेंगे। पहले हम इसको टेम्परेरी कनेक्शन देंगे ताकि एक बार हम इसको चेक कर पाएं। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो ये बर्नर है इसमें जो फ्लेम है इसकी जो अभी जो फ्लेम आ रही है वो थोड़ी बढ़ के आ रही है। इससे पहले जो इसकी फ्लेम थी कम आ रही थी, जिस जो कि तीन पायलट के चलने से उसके जो प्रेशर से वो बंद हो जाती थी। अभी फ़िलहाल ये ठीक चल रहा है। अभी पहले हम इस वाले बर्नर का लीकेज चेक करेंगे। कि
कहीं पे बॉल वगैरह में लीकेज तो नहीं रहा है। अभी हम इसके पायलट तीनों ऑन करेंगे, इसके तीनों पायलट चल रहे हैं और पायलट के अभी लीकेज हम चेक करेंगे यहाँ से। कहीं पे लीकेज नहीं दिखा रहा है, और इस टाइम जो इस फायर की जो फ्लेम आ रही है, अभी जब इसका ये वाला फ्रंट वाला पोर्शन बंद होगा तो इसकी जो फ्लेम है इससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये हमारा पूरा फ्रायर बंद हो चुका है वापस। इसका जो अंदर का पूरा सामान है वो अभी इसमें वापस लगाएंगे हम, और कस्टमर की लोकेशन पे ले जाके वहीं पे हम इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो गैस का प्रेशर आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो ये जो फ्रायर हमने फाइनली वापस लोकेशन पर लाया हुआ है, देख सकते हैं ओवन की जो करंट पोजीशन है, और इसकी हम आपको थोड़ा सा बेकिंग भी दिखा देते हैं। तो अभी ये जो फ्रायर है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।